अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद फवाद मिर्ज़ा। राइट नाउ आई एम विद हमजा मलिक साहब, हु इज करंटली डूइंग एलएलबी फ्रॉम कायद अजम यूनिवर्सिटी। इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो चूंकि टेस्ट अभी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी डिफरेंट किस्म की के, जो है टेस्ट की जो है एक तो उनको ईमेल रिसीव नहीं हो रही अभी तक, इसके अलावा जो है रोल नंबर स्लिप्स वगैरह का भी ऑब्वियसली उसी के साथ आनी थी, वो भी नहीं अभी तक आई, तो वो समझ रहे हैं कि टेस्ट डेट एक्सटेंड हुई है कि नहीं, वो भी इंशाल्लाह। और फर्दर क्यूरीज के टेस्ट घर से होगा या आपको ऑनलाइन देना पड़ेगा, जो भी क्यूरीज थे स्टूडेंट की वो मैंने सारे क्वेश्चंस में ऐड कर दिए हैं ताकि आप हर वन स्टेप बाय स्टेप जो है वो सॉल्व करें। तो माशाल्लाह इसके लिए मैंने जो जिनकी एक्सपर्टीज मैंने आपको बता दी है कि हमजा मलिक साहब खुद भी LLB कर रहे हैं और माशाल्लाह ही हैज माशाल्लाह गुड ग्रिप ऑन द एडमिशन प्रोसेस, तो उन्हीं के साथ डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अच्छा हमजा मलिक साहब, बिफोर डीप टाइमिंग इन टू द इंटरव्यू, स्टूडेंट्स के लिए बता दीजिएगा कि आप करंटली क्या कर रहे हैं और आपका बैकग्राउंड। बहुत शुक्रिया आपने बुलाया दोबारा से। मैं करंटली LLB 9th सेमेस्टर में हूँ कायद अजम यूनिवर्सिटी में। उससे पहले मेरी FSC प्री इंजीनियरिंग थी और उससे पहले मेरा मैट्रिक था और अभी मेरा 9th सेमेस्टर चल रहा है। माशाल्लाह, और हो सकता है कल को ये वीडियो जो देख रहा है वो भी इसी डेस्क पे बैठ के जो है ना मेरे ये स्टूडेंट की क्वेरीज इतनी ज्यादा आ रही हैं कि हमें फौरन से करना पड़ा। ये मैं यूनिवर्सिटी से क्लास वगैरह लेके स्ट्राइक के सारे मामला देख के निकला हूँ, आपका मुझे मैसेज आ गया, उधर ही बैठ के हमने सोचा कि माशाल्लाह थैंक्स। और मुझे पता है कि मैंने आपको बहुत जल्दी कर ली, लेकिन स्टूडेंट्स चुके 25 कल होने वाली है तो स्टूडेंट्स बहुत ही मतलब उसमें कश्मकश में के क्या होने इमरजेंसी जरूरी था। अच्छा मुझे बताएं, एक तो एडमिशन डेट डेडलाइन का क्या है, वो तो मेरे ख्याल में हो गई खत्म, अब अप्लाई नहीं कर सकते इस बारे में। जी जी, एडमिशन की लास्ट डेट 22nd सितंबर थी, वो तो खत्म हो गई अब। अब अप्लाई तो नहीं हो सकता, अब ये लिस्ट वगैरह देखें अपनी और टेस्ट के बारे में देखें, टेस्ट की तैयारी करें, एक दो दिन है तो वो करें बस, ठीक है। अच्छा, एडमिशन अप्लाई तो नहीं कर सकते। अगर मेरी वीडियो पे जाए तो उसमें सारे कमेंट सही है या ईमेल नहीं रिसीव हो रही या ऑनलाइन का होगा टेस्ट या फिजिकल, लेकिन स्टार्ट ईमेल से करते हैं कि ईमेल अभी तक रिसीव नहीं हो रही स्टूडेंट्स की, ये बड़ी परेशानी। वाह भाई, मुझे भी कोई मेरा ख्याल है 100 से ऊपर लोगों के मैसेजेस आ चुके हैं जिन्हें ईमेल रिसीव नहीं हुए। ये मेरी बात है, बाकी मेरी एडमिशन कमेटी के जो बाकी मेंबर्स हैं उनको भी आए होंगे जाहिर है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स को अभी ईमेल नहीं पहुंचे, वो ग्रेजुअली प्रोसेस के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता पहुंच जाएंगे सबको। अपनी ईमेल चेक करते रहें सब और अपनी आईडी जो उन्होंने अप्लाई करने के लिए बनाई थी वो देखते रहें, आ जाएगा, उम्मीद है आ जाएगा, आज रात तक आ जाएगा उनको। ठीक है। अच्छा असल में हाँ, स्टूडेंट्स की कश्मकश इसके रिगार्डिंग थी कि कल टेस्ट होने वाला है, 25 भी एक डेट है टेस्ट की, तो वो जो मैं हाँ सबसे ज्यादा पैनिकिंग कंडीशन में होंगे दे वुड बी द स्टूडेंट्स दैट आर गोइंग टू गिव द टेस्ट टुमारो, तो उन्हें ईमेल भी नहीं आया है, तो जो है इस बारे में मुझे बताइएगा कि डेट इस लिहाज से कहीं एक्सटेंड तो नहीं होने जा रही है, डेट सेम ही है जो है टेस्ट की। वाह भाई, अभी मैं आपको और स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के हालात का पहले बता दूं ताकि उन्हें भी अंदाजा हो जाए और आपको भी अंदाजा हो जाए कि अभी चल क्या रहा है। नंबर वन पे जो सबसे बड़ी चीज सारी यूनिवर्सिटी में वो है स्ट्राइक। यूनिवर्सिटी की हर चीज बंद है, डिपार्टमेंट्स बंद है, एडमिनिस्ट्रेशन बंद है, ऑफिस सारे बंद है और ये काम लेकिन फिर भी चल रहा है। दूसरे नंबर पे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर है इस चीज का, क्लियरेंस का, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स की डिग्री गई, डिग्री कंप्लीट हुई है उसके बाद क्लियरेंस का प्रोसेस है, उसके बाद अभी फी पूरी यूनिवर्सिटी ने सबमिट करवानी है उसका भी प्रेशर है, तो काम इस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन के पास काफी ज्यादा है, इसलिए प्रेशर बना हुआ है और ईमेल्स आपकी लेट हुई है। उसके अलावा अभी अनसर्टेन है हर चीज, अभी तक अनसर्टेन है हर चीज क्योंकि स्ट्राइक चल रही है अभी, तो अभी देखते हैं क्या होता है, लेकिन मेरी ख्याल में मेरी नजर में 20% चांसेस है मैक्सिमम डेट एक्सटेंड होने के। अच्छा डेट एक्सटेंड होने के, अच्छा डेट एक्सटेंड होने के, टेस्ट होगा। अभी तक स्टूडेंट्स को यही सोचना चाहिए कि टेस्ट होगा,
और वो उसकी तैयारी करें। ठीक है, सही सही, ठीक है, माशाल्लाह, चलें, ये दैट्स रियली गुड इंफॉर्मेशन। अच्छा, जो लेकिन अगर अगर टेस्ट की डेट एक्सटेंड होती है या कुछ भी, तो वो आपको ईमेल कर देंगे, ईमेल कर देंगे, या आपको फेसबुक से पता चल जाएगा, या कहीं ना कहीं से आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, या हम लोग वीडियो बना देंगे अगर डेट एक्सटेंड। जी, बिल्कुल, एग्जैक्टली। और मैं भी ये कह रहा हूँ कि वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तो रेडी ही रहना कि कल होना है, अगर ना भी होगा तो कम से कम तैयारी तो की होगी, इस तरह आप दोनों साइड से ही जाएंगे जो है वो। तैयारी तो लाजमी करनी चाहिए वहाँ भाई, अभी बस ये है कि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है कि स्ट्राइक चल रही है, पेंडेमिक चल रही है, वर्कलोड एडमिन पे, तो ये सारी चीजें बड़ा अनसर्टेन सा कर देती हैं सारे प्रोसेस को, कोई पता नहीं वो क्या कर दें। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा कि स्टूडेंट्स की जो है क्यूरी जो है ये भी आ रही थी कि फिजिकल और ऑनलाइन टेस्टिंग के बारे में, कि जो है टेस्ट जो है वो फिजिकल होंगे या जो है आपको ऑनलाइन घर से बैठ के देने होंगे। वहाँ भाई टेस्ट टोटल ऑनलाइन है, फिजिकल किसी का भी नहीं है, आप अपनी जगह से, अपनी प्लेस से, अपने इंटरनेट से टेस्ट दे सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है अपने घर में बैठ के। उसके लिए आप एक चीज, एक मैं टिप दे रहा हूँ और एक एडवाइस भी कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को, कि अपना इंटरनेट कनेक्शन जो है ना वो अच्छा सा रखें। अगर आपको कहीं शहर से या गाँव से बाहर निकलना पड़ता है अच्छे इंटरनेट के लिए, तो आप निकलें टेस्टें, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम होगा और उसमें आपने अपना टेस्ट सबमिट करवाना है, तो ये ना हो कि आप इंटरनेट के कनेक्शन में फंसे रहें और आपका टेस्ट की डेट, टेस्ट का टाइम निकल जाए। तो आप अच्छा इंटरनेट कनेक्शन लेके 15-20 मिनट पहले आप बैठ जाएं वहां और अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। मोस्ट एक्सपर्ट एंड ऑथेंटिक सजेशन सो फार, मतलब बाकी के जो है ना, कोई स्टूडेंट इंटरनेट ही सही ना उधर बेचारा करता है, या पीटीसीएल के इंटरनेट पे, इससे अच्छा ज़ोम के 2000 रुपए, या मैं आई एम नॉट फ्रॉम ज़ोम, मैं पहले ही बता दूं, या कोई भी ऐसा जिस पे रिलाई किया जा सकता है ज़ोम के अलावा, जैस वगैरह, कोई भी एक, हर बंदे को पता है, हर बंदे को, मोस्टली स्टूडेंट्स को पता है कि इंटरनेट कहाँ अच्छा आ रहा है, कहाँ बुरा आ रहा है, किस नेटवर्क का। अब मेरे इलाके में किसी और नेटवर्क का अच्छा चलता होगा, आपके इलाके में जहाँ भी आपको अवेलेबिलिटी अच्छी है इंटरनेट की, आप वहां जाके बैठे वहां, और 15-20 मिनट पहले आप जरा चेक करें अपने इंटरनेट को। लेकिन अच्छी बात यह है कि टेस्ट से पहले कल आपका मॉक टेस्ट भी होगा, जिसके नंबर्स काउंट नहीं होंगे, लेकिन आपको एक प्रैक्टिस करवाने के लिए, आपके एक एक्सपीरियंस के लिए आपका उससे पहले एक मॉक टेस्ट होगा, उसके बाद आपको जो आपका इंटरनेट ये कि मैं सजेस्ट करूंगा कि वाईफाई पे रिलाय ना करें, क्योंकि लाइट भी जा सकती है या कुछ भी हो सकता है, तो आप वाईफाई पे रिलाय ना करें, आप अपने फोन का पैकेज लगाएं और जहां वो अच्छा चल रहा है वहां जाके आप बैठ जाएं, जिस भी रूम में या छत पे या बाहर या किसी के घर में या शहर में किसी दोस्त के पास चले जाएं, कहीं भी आप जाके जहां अच्छा आपका इंटरनेट चल रहा है आप वहां जाके इंटरनेट चलाएं। और जैसी दूसरी एडवाइस, जी, मेन चीज इंटरनेट है और आपकी तैयारी है, तीसरी अभी कोई चीज नहीं है। ये सारी अपनी क्यूरीज भी दिमाग से निकाल दें, आप ईमेल चेक करें और अपना अपना इंटरनेट ठीक करें, और तीसरे नंबर पे आप अपनी तैयारी करें, तैयारी जो करनी है। जी, बिल्कुल। और सेकंड सजेशन ये, मैं आपको तो कोशिश करें लैपटॉप यूज करें, ताकि पाकिस्तान में वो ही बिजली का भी कोई पता नहीं है कि आप बैठे हैं और जो है ना उधर कनेक्शन बंद हो जाए, तो जो है ना लैपटॉप एक घंटे की बैटरी वाला, कोई बात नहीं, दोस्तों की हेल्प ले लें, कोई किसी ना किसी के पास लैपटॉप होगा, हेल्प लेके जो है ना उसको मेक श्योर कर लेंगे जो है ना, मोबाइल फोन से कर लें। अभी मैं भी तो आपके साथ मोबाइल फोन से कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, फोरन से आपकी मुझे आया है इनवाइट और मैंने मोबाइल से शुरू कर दिया, मोबाइल से भी अब सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल, गॉट इट, ये बेटर सजेशन है, उससे भी बेटर के मोबाइल को फुल चार्ज रखे टेस्ट से पहले, और जो है ना वो एक तो इंटरनेट उस पे 4G खुद बा खुद लग जाएगा, और साथ में आप जो है ना वो टेस्ट भी करते रहे दोबारा, तो अच्छा था पैकेज करवा के मेक श्योर कीजिएगा। अच्छा, क्योंकि इसकी उन्होंने अपॉर्चुनिटी वगैरह, ये ना समझिएगा कैसा ही नहीं हुआ सर, मेरी तो बिजली चली गई थी, मेरे ये दिस मेरे नहीं कहा कि ये वाले एक्सक्यूजेस को काम करने वाले हैं कि जो है ना हमने जो है ये नहीं करा तो वो नहीं किया। अच्छा जी, अच्छा मुझे बताइएगा एक स्टूडेंट, ये वैसे मुझे पता है कि स्टूडेंट्स जिन्होंने भी पूछा उनके माइंड में कुछ डिफरेंट ही है, लेकिन वो पूछ रहे थे कैमरा ओपन रखना है कि नहीं, मुझे ये कोई जुगाड़ी बंदा था
जुगाड़ अगर चलता है तो चला लें, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप अपनी तैयारी पे ही रिलाई करें, ये ना करें कि आपको कोई अनफेयर मींस आपने यूज करने हैं तो उस पर आप रिलाई करें, आप अपनी तैयारी पे रिलाई करें। कोई हाँ पता जी नहीं वो आपका कैमरा ऑन करवा दें, या ये एमसीक्यूज या क्वेश्चंस ही ऐसे हों जो आप खुद ही करेंगे, टाइम कम है, और ऑनलाइन में ऐसा ही है कि अगर हाँ जी हाँ आपको जी खुद हाँ नहीं जी आता तो आप मुश्किल हो जाता बहुत ज्यादा। और एक और सजेशन इधर यार, टू बी फेयर मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है मैं पर्सनली तो रिकमेंड करता ही नहीं अनफेयर में, आप पहुंच भी जाओगे ना आपको तब जाके मसला आ जाएगा, एक दफा जी आप जी तुक्का जी जी लगा लोगे, लेकिन जैसे यूनिवर्सिटी के कंपटीशन में जाएंगे ना, चूंकि उधर यूनिवर्सिटी में वो बच्चे आएंगे जिन्होंने बड़ी अच्छी तरह वहां खुद से परफॉर्म, तो आपको खुद ब खुद उधर जाके अपने जो है ना वो पता चल जाएगा कि जो है ना वो नुकसान अल्टीमेटली आपका ही है, वो बंदा थोड़ी देर के लिए वो सिस्टम वो क्रैक कर जाता है लेकिन अल्टीमेटली वो खुद ही फंसता है जो है ना, तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन भी नहीं है कि कोई जो है ना, लेकिन सवाल था मैंने कहा चलो यार मैं बार बार पूछ रहे हैं कि भाई, और वैसे भी हो भी सकता है वो कह दें कि भाई कैमरा खोल ओपन करके रखें जो है जी ना, जी जी तो वो उस केस में जो है ना आपका जो भी आइडिया हो वो भी फेल हो जाए। अच्छा मुझे बताइएगा, वो पूछ रहे थे कि ये वाला टेस्ट किस किस डिग्रीज को जो है अप्लाई होगा, मतलब यानी कौन कौन सी डिग्रीज हैं जिनमें ये अप्लाई होगा और किनों में नहीं होगा, इस बारे में बता दीजिए। ये BS का टेस्ट है, एंट्रेंस टेस्ट, और ये BS के LLB और फार्म डी के अलावा हर डिपार्टमेंट में अप्लाई होगा ये टेस्ट। ठीक है सही है सही है। अच्छा ये यही सेम सेम मैंने सबसे सुना, बल्कि आपसे ही सबसे पहले सुना था, मुझे बताइएगा तो डी फार्म और LLB का क्या है, तो फिर स्टूडेंट की सेकंड क्यूरी यही आती है कि भाई डी फार्म और LLB का क्या होने जा रहा है। ठीक उसके लिए आप FSC के रिजल्ट का वेट करेंगे, है ठीक और FSC और मैट्रिक की बेस पे उसका एडमिशन होंगे, मतलब है 30% मैट्रिक और 70% FSC, उसकी लिस्ट भी लेट लगेगी जरा। ठीक है, और LLB के केस में एक डिफरेंट है कि वो लैट भी पास होना चाहिए आपका। जी, लैट जी तो सही मस्ट सही है। सही है। और जो है मुझे बताइएगा कि अच्छा और इसकी परसेंटेज कितनी है टेस्ट की रखने जा रहे हैं ओवरऑल, मतलब जो है टेस्ट की परसेंटेज कितनी है और बाकी क्या परसेंटेजेस करने लगे हैं। ये 80% मैट्रिक और 20% टेस्ट। ठीक है ठीक है। अच्छा, कोई ऐसी जो है इंफॉर्मेशन जो आपको अभी मिली हो जो है स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाह रहे हो, मैंने तो कोशिश तो मैंने की है कि जो जो स्टूडेंट्स की अभी क्यूरीज आ रही है मैं उससे रिलेटेड पूछ लूँ, इसके अलावा कोई क्यूरी आ रही हो क्यूरी मतलब उसके स्टूडेंट्स अलावा एक इंफॉर्मेशन आई है ऑफिशियल, उसके मुताबिक ये है कि आपको ईमेल आ जाएगी, की। ठीक उसमें है उन्होंने कुछ बातें बताई, ईमेल आपको आ जाएगी, और आपका उससे पहले मॉक टेस्ट होगा कल, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, उसके बाद आपका वो क्या कहते हैं जो मेन टेस्ट आपका उसके बाद होगा, और 1500 स्टूडेंट्स के बैच का, एक बैच में 1500 स्टूडेंट्स देंगे टेस्ट, उसके है बाद अगले बैच का टेस्ट आएगा, उसके बाद अगले बैच का टेस्ट आएगा, वो आपके जो IDs हैं उसके सीरियल नंबर के मुताबिक आपका बनेगा वो ठीक। रोल नंबर। माशाल्लाह, तो दोस्तों मोस्ट प्रॉब्ली आपकी इसके हिसाब से पर्टिनेंट क्वेरीज जितनी भी फैक्ट्स जो आप पूछ रहे थे वो कवर आउट हो गएंगे, इसके अलावा फर्दर कीजिएगा, क्योंकि क्वेरीज इतनी ज्यादा थी तो मैं पर्सनल तो नहीं मतलब वैसे मैं पूछ करता हूँ हर कमेंट का जवाब दे सकूँ, लेकिन इधर मैं इतनी क्वेरीज थी कि मैं दे नहीं सका जवाब, तो जो है ना मैंने इसलिए वीडियो बना दी है, तो इसके अलावा भी कोई नई क्यूरी हो तो वह नीचे वीडियो में पास कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उनको मिला के दोबारा से अगर किया जा सके, और आप में से कोई माशाल्लाह कभी जो है पास हो तो मेरे से रब्ता कीजिएगा, उसका इंटरव्यू करेंगे इधर ही, हमजा साहब जहाँ बैठे हैं उधर बैठा आगे जो है जी इंटरव्यू करेंगे, तो जो है ना जी इंशाल्लाह मेक श्योर करेंगे, तो दोस्तों मोस्ट प्रॉब्ली इसी के साथ आपकी जो है वो जितनी क्यूरीज थी आ रही फ्रिक्वेंटली वो मैंने कवर आउट कर दी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहे, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद वाहिद साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।